हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएसपीआरटी के रिजल्ट के बारे में। साथ में जो आपका लगातार जो डाउट आ रहा है कि केवीएसपीआरटी की जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो ये नोट्स यहाँ पर ज्ञान समन्वय की तरफ से जो निकाले गए हैं, इन नोट्स को हम कैसे बाय करें, ये नोट के बारे में हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई की जो भी हमारे माननीय जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक न्यू ट्वीट किया गया है जो कि हमारा कल किया गया था। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 1634 जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएसपीआरटी के रिजल्ट के बारे में, तो 95% जो मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार सारे वीडियोस में कि आपका जो केवीएसपीआरटी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, जब तक कि हमारा पीआरटी से हमारा जो टीजीटी में प्रमोशन है उसकी लिस्ट हमारी नहीं आ जाती, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता एलडीसीई का, तब तक आपका केवीएसपीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम बात करें 5% की तो आपका रिजल्ट फिर कभी भी आ सकता है, लेकिन 95% ये चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है केवीएसपीआरटी का वो अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा और जो आपका इंटरव्यू है वो हमारा नवंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो सबसे ज्यादा आपकी जो डिमांड आ रही है वो आ रही है केवीएसपीआरटी की जो प्रिपरेशन के लिए जो ये नोट्स निकाले गए हैं, जिसके बारे में मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया है। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्यार मिल रहा है वो इन नोट्स को मिल रहा है, क्योंकि ये नोट्स खासकर किसी अननोन के द्वारा नहीं बनाए गए, खासकर केवीएस के जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके द्वारा एकदम सिलेक्टेड कंटेंट को इस नोट्स में शामिल किया गया है, जो कि देख सकते हैं कितने पतले हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट, जो कि केवीएसपीआरटी के इंटरव्यू में आपके लिए एकदम रामबाण होने वाला है। अगर हम बात करें जो आपका डाउट आ रहा है, क्या ये नोट्स हमारे बाइलिंगुअल हैं, बिल्कुल यह नोट्स बाइलिंगुअल हैं और आपको यह हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, साथ में यह आपको केवल दिखाने के लिए हार्ड कॉपी दिखाई जा रही है। आप जब व्हाट्सएप पर बाय करेंगे, जिसको भी बाय करना है वो केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, कोई भी फोन कॉल मत करिएगा, ना ही व्हाट्सएप कॉल, केवल व्हाट्सएप मैसेज करिए 6386913424, केवल इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और आपको अगर सैंपल देखना है तो इसी वीडियो को जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पिन कमेंट है, वहां से जाकर आप सैंपल भी दे सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये कई दिन से हमारे नोट्स हैं जो आपको बताया जा रहा है। इन नोट्स में जो सबसे ज्यादा डिमांडेड थी आपकी केवीएसपीआरटी के इंटरव्यू के लिए वो है एनसीईआरटी की बुक्स। तो जैसे ही आप पीडीएफ को बाय करेंगे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर बुक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपको पीडीएफ दी जाएगी, जैसे ही आप बाय करेंगे तुरंत आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में इसमें सब कुछ दिया गया है, कैसे आपको ड्रेस पहनकर जानी है, कैसे आपको इंटरव्यू में बैठना है, क्या आपको सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आपकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, चाहे वो नॉन वर्बल हो या फिर वर्बल हो। साथ में जो आपकी केवीएसपीआरटी के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं उनको शामिल किया गया है, खासकर उनके बेस्ट आंसर, क्योंकि आप भी जानते हैं दूसरे से कुछ आपको यूनिक करना है और बेस्ट करना है, तभी आप 60 out of 60 ला सकते हैं। साथ में इसमें जो कि हमारा टीजीटी और पीजीटी में भी हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक एनईपी को भी शामिल किया गया है, खासकर इसमें एफएलएम को भी, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स को भी शामिल किया गया है, और लास्ट में आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है और डाउट भी काफी सारा आ रहा है, इसलिए आप सभी को बताना ये जरूरी था, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी जो कि आपकी एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, जो कि आप लोग चाहे मोबाइल फोन में पढ़िए, चाहे अपने टैबलेट में पढ़िए, चाहे अपने लैपटॉप में पढ़िए, आपको कोई भी हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोबाइल से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप जरूर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बीपीएससी टीआरई की। तो कल हमारा बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया, आप विश्वास करें या फिर ना करें, लेकिन जो कि हमारा बीपीएससी टीआरए का जो भी हमारा रिजल्ट है उसकी जो मेरिट है 1634 मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें। तो उन्होंने साफ साफ कहा, अब उसी के बाद जैसे ही उनके ट्वीट में ये चीज शामिल थी, तुरंत अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ गया कि आखिर ये क्या चीज है। तो इसका मतलब ये 43 की बात जो कही गई है
जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये 43 है वो ये है हमारे 1 से लेकर 5 यानी कि प्राथमिक में हमारे 3 सब्जेक्ट थे, जैसे आप जानते हैं सामान्य उर्दू बंगला 3 सब्जेक्ट थे प्राथमिक में, हमारे 9th-10th में टोटल हमारे 10 सब्जेक्ट थे, अगर हम बात करें 11 और 12 में टोटल हमारे 30 सब्जेक्ट थे, अगर इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 43। इसका मतलब 43 सब्जेक्ट टोटल हमारे हैं, चाहे हम प्राथमिक की बात करें चाहे उच्च माध्यमिक या माध्यमिक की, टोटल हमारे 43 है। और इसमें जो 38 का मतलब है वो ये है कि इसमें हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में हमारे कुल 38 जिले हैं, तो उन 38 जिलों की अलग अलग मेरिट प्रिपेयर की जा रही है, तो इन दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 43 और 38 को, तुरंत हमारा 1634 जो टोटल हमारी मेरिट प्रिपेयर की जा रही है बीपीएससी के द्वारा। अब उसी के साथ में कंफ्यूजन ये आ गया है कि हमारा क्या हर जिले की मेरिट अलग अलग बनेगी, क्या अब हमारी कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, तो आप सभी को बता दें पहले एक हमारी जनरल मेरिट बनेगी, जैसा मेरा अनुमान है एक जनरल मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपका डीवी कराया जाएगा, उसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जो आपने बीपीएससी का, उसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछे गए थे, 3 जिले पूछे गए थे, तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस में जो जिले शामिल किए गए हैं उन जिले में देखा जाएगा जो आपने फर्स्ट पे सबमिट किया है या फिर आपने फिल किया है उस जिले की जो मेरिट गई है और आपका कितना स्कोर है उस हिसाब से आपको जिला को अलॉट किया जाएगा। लेकिन काफी सारे लोगों ने गलती कर दी क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस को, खासकर ये गलती कैफे वालों की है, पोस्ट प्रेफरेंस को ना समझ के उन्होंने सोचा ये एग्जामिनेशन सेंटर है, लेकिन वो पोस्ट प्रेफरेंस था कि आपको 3 कोई जिले ऐसे बताइए जहां पर आपको नौकरी को लेना है, लेकिन काफी लोगों ने पटना वगैरह भर दिया है, तो वो उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी लास्ट में बनेगी, अभी आपकी कट ऑफ उस हिसाब से नहीं बनेगी, पहले आपका डीवी होगा, उसके बाद संभावना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपको अलॉट किया जाएगा स्कूल या विद्यालय तब आपको उस कट ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा। अब हम बात करें बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट की, तो बीपीएससी के टीआरई के जो रिजल्ट की बात करें उच्च माध्यमिक का या फिर माध्यमिक का, तो 15 से 16 अक्टूबर तक आने की आपकी पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें प्राथमिक की तो हम पूरी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन संभावना है कि रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अक्टूबर को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जो कि बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी को लेकर जाया गया था, जैसे ही उन्होंने उस एसएलपी को विड्रॉ किया उन्होंने कहा कि हम न्यू एसएलपी को फाइल करेंगे, अब बिहार सरकार न्यू एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है या फिर नहीं जाती है कि ये किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही प्राथमिक का भी रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, लेकिन उच्च माध्यमिक का और माध्यमिक का 15 से 16 अक्टूबर तक पूरी संभावनाएं आपका आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी केवीएस के बारे में, बीपीएससी टीआरई के बारे में। आप लोग केवल इस बाय करने के लिए केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोई भी कॉल मत करिएगा, सैंपल आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।